ग्यारहवीं सदी में अंग्रेजों को एक कानून बनाना पड़ा था। 16वीं सदी में कविताओं में कवियों ने इसका गुणगान किया था, तो 13वीं सदी में इसकी चर्चा खूब हो रही थी। ये एक नशा भी है और साथ ही साथ कई मर्जों की दवा भी है। जी हाँ, अगर हम ये तमाम बातें आपसे कहें कि एक सब्जी के बारे में हो रही है तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ शुभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। दरअसल ये एक ऐसी सब्जी है जिसके गुणगान कितने भी किए जाएं वो कम होगा। आपको बता दें कि ये सब्जी अब बिहार में भी उगाई जा रही है और इसकी कीमत सुनकर तो शायद आप दंग रह जाएंगे। क्या है ये सब्जी, इसकी क्या कुछ खासियत है, क्यों इतनी महंगी है और इसका उपयोग आप खाने पीने में कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। बिहार में जो किसान इसे उगा रहे हैं उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस फसल को तवज्जो देने के लिए किसानों की मदद करे तो उनकी आय 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस सब्जी के इतिहास से लेकर वर्तमान बाजार और उपयोग तक हर डिटेल आपको चौंका देंगे। बिहार में हॉप शूट्स का उत्पादन सुर्खियों में आया है। यह सब्जी हॉप प्रजाति के पौधों की पत्तियां हैं। इसके फूलों को हॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यानी हजार साल पहले इन्हें बियर में कड़वाहट लाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद भोजन में फ्लेवर के तौर पर इसका चलन बढ़ा और फिर चिकित्सा में इसका उपयोग हुआ। बाद में जब इसका कमर्शियल उत्पादन हुआ तब इसे पकाकर खाने का भी चलन शुरू हुआ। 8वीं सदी में जर्मनी में सबसे पहले हॉप्स के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद इंग्लैंड सहित यूरोप के कई देशों में यह फसल मशहूर हुई। इंग्लैंड में 16वीं सदी में इसे बैन तक किया गया तो जर्मनी में इसे टैक्स मुक्त किया गया, क्योंकि राजनीति और धर्म की यह पहली पसंद थी। इंग्लैंड में आयात किए जाने वाले हॉप्स को बैन करने के लिए एक कानून तक बनाया गया था। 1557 में कवि थॉमस टसर ने बियर में हॉप्स के इस्तेमाल से प्रभावित होकर कविता में इसका गुणगान भी किया था। यूरोप के बाद अमेरिका में ये हॉप्स लोकप्रिय हुए और वर्तमान में इसका सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका ही है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन जर्मनी में होता है। इन दो देशों के अलावा बाकी देशों में बहुत कम उत्पादन होते हैं और अब बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है। औरंगाबाद जिले के किसान अमरीश सिंह ने बताया कि स्पेशल डिमांड पर ही हॉप शूट्स को खरीदा बेचा जाता है। उन्होंने ट्रायल के तौर पर हॉप शूट्स का उत्पादन किया और सिंह बताते हैं कि अब 60% से ज्यादा उत्पादन सफल रहा। दूसरी फसलों की तुलना में किसानों को इससे 10 गुना ज्यादा फायदा होगा और इसकी संभावना भी जताई जा रही है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में हॉप शूट्स को निगरानी में उगाया जा रहा था। वहां से अमरीश ने इसके बीज जुटाए और अपने स्तर पर इसका उत्पादन किया। अमरीश ने कहा कि किस तरीके से इसकी नई कीमत और कीमती फसलों से बिहार जैसे गरीब राज्यों की किस्मत बदल सकती है। यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि हॉप शूट्स का वैज्ञानिक नाम ह्यूमलस ल्यूपुलस है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट काफी बड़ा है। 1000 यूरो से भी ज्यादा तक की कीमत पर इसकी बिक्री होती है, यानी रुपयों के हिसाब से कम 87,000 या करीब 1,00,000 रुपए किलो तक हॉप शूट्स की कीमत आंकी जाती है। 6 साल पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में यह सब्जी 1,000 पाउंड प्रति किलो बिक रही थी। बसंत ऋतु में इटली में सीजनल डेलिकेसी की तरह समझी जाने वाली हॉप शूट्स की पहली खेप उगती है तो इसे नीलाम तक किया जाता है और किसी कलाकृति की तरह 1,000 यूरो तक पहुंचती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हॉप शूट्स की झाड़नुमा पत्तियां सब्जी की तरह प्रयोग में लाई जाती है, जबकि इसके फल फूल और तने का भी उपयोग होता है। शराब उद्योग में खासतौर से बियर बनाने में और दवाओं खासतौर पर एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में ये बेहद उपयोगी है। साथ ही साथ किसान बताते हैं कि इस सब्जी के तने से बनाई गई दवाओं को टीवी के इलाज में बेहद कारगर पाया जा चुका है। इसकी बेतहाशा कीमत के बारे में लंदन में हॉप शूट्स बेचने वाले मलिसा कोल बता चुकी हैं कि इसका उत्पादन कमर तोड़ होता है, क्योंकि यह आसानी से एक साथ नहीं उग पाती, इसके लिए इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। लगातार निगरानी और निश्चित स्थितियों में उगने वाली
हॉप शूट्स बहुत छोटी पत्तियां होती है, इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र में उत्पादन से आप इसे बेचने लायक मात्रा में पाते हैं। हॉप शूट्स को लेकर वैज्ञानिक कई शोधों के बाद यह मालूम कर चुके हैं कि टीबी के साथ यह कैंसर के रोग के निदान में भी उपयोगी है। कैंसर की कोशिकाओं को फैलने से रोकने में हॉप शूट्स मदद करती है। इसके साथ ही मेनोपॉज से जुड़ी समस्याएं, इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की शिकायतों में भी मददगार है। वहीं यह प्रमुख हर्बल एंटीबायोटिक और सिडेटिव तो है ही। हॉप शूट से मिलने वाले पोषण से उन लोगों को बहुत आराम मिलता है जिन्हें चिंता, हाइपर एक्टिविटी, नर्वसनेस, बदन दर्द, बेचैनी, यौन संक्रमण, शॉक, तनाव, दांत का दर्द, अल्सर, कार्डियोवास्कुलर रोग जैसी शिकायतें हों। ऑर्थराइटिस से लेकर डैंड्रफ तक की समस्या को सुलझाने में हॉप शूट्स असरदार पाया जा चुका है। दुनिया की सबसे महंगी और बेहद हैरत अंगेज सब्जी के बारे में आखिर यह भी जानिए कि इसे लोग खाते कैसे हैं। कई विधियों में सबसे सरल है कि हॉप शूट्स को 2 से 3 मिनट तक पानी में उबालने के बाद पानी से निकाल कर इन्हें भाप में पकाया जाता है। फिर नर्म हॉप शूट्स को बटर या चीज सॉस के साथ लंच या डिनर के तौर पर खाया जाता है। यह आपको बताया भी जा चुका है कि बियर में इसका लोग सेवन करते हैं। हॉप्स का इस्तेमाल तेल के रूप में भी होता है। इसके अलावा ईस्ट, कैंडी और जिलेटिन में हॉप्स का उपयोग होता है और आइसक्रीम, पुडिंग, बेक फूड, च्युइंगम जैसी चीजों में जगह के हिसाब से हॉप शूट्स प्रयोग में लाए जाते हैं।